इंडिया में जितने नए पीसीज बिकते हैं उसमें अराउंड 90% पीसीज में पायरेटेड विंडोज होती है। और ये आपको अच्छे से पता है, बचपन में 6-7 हज़ार रुपए की विंडोज एक्सपी विंडोज 7 आती थी, बट दुकान वाला वही चीज 100 रुपए की सीडी में दे देता था। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट आपकी पायरेटेड विंडोज को अभी इसी क्षण बैन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट वो ऐसा करता नहीं है। जरा सोचो, जब पायरेटेड विंडोज इतनी इजीली अवेलेबल हैं तो हर बच्चे का पहला पीसी कौन सा होगा? विंडोज। फिर हर बच्चे के स्कूल में भी क्या सिखाया जाएगा? विंडोज। एज अ रिजल्ट इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बड़े होते होते विंडोज की हैबिचुअल हो चुकी होगी, और इसी वजह से हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को विंडोज का सिस्टम देगी। बट गेस व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बचपन में और स्टूडेंट लाइफ में पायरेसी जरूर अलाउ की, बट कॉर्पोरेट्स को ये अलाउड नहीं है, उनको नोटिस आ जाता है, उन्हें विंडोज खरीदनी ही पड़ती है। मोर ओवर, आजकल जो लैपटॉप्स बिक रहे हैं उसमें विंडोज प्री इंस्टॉल्ड आती है, मतलब विंडोज का कॉस्ट उसमें जरूर है बट हमें देते समय वो पता नहीं चलता है। बिल गेट्स ने पायरेसी पे एक बार कहा था, एज लॉन्ग एज दे आर गोइंग टू स्टील इट, वी वॉन्ट देम टू स्टील आर्स। इसीलिए विंडोज का मार्केट शेयर इंडिया में 86% है। लंबा सोचो और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना।